दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है एक और नॉलेजेबल वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोलोब्रेक एसपी टेबलेट के बारे में। आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। अब ये जो टेबलेट है एक तरह की दर्द निवारक और सूजन को कम करने वाली होती है। अब इसके सॉल्ट नेम की अगर मैं बात करता हूँ तो 50 मिलीग्राम की मात्रा में डाइक्लोफेनेक पोटेशियम और एक 325 मिलीग्राम पैरास्टामोल और इसके अलावा सेरेटीपेप्टिडोज के अंदर 15 मिलीग्राम की मात्रा में होती है। तो 3 साल्ट के कॉम्बिनेशन से इसको बनाया गया है। डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है दर्द निवारक होता है और पैरास्टामोल फीवर को दूर करने वाला, इसके अलावा दर्द निवारक दवाई है और सेरेटीपेप्टिडोज जिसके अंदर है वो है सूजन को कम करने वाली दवाई। अभी आपके सामने पूरा बॉक्स है। प्राइम मैनकाइंड इसको बनाती है जो कि मैनकाइंड एक काफ़ी फेमस कंपनी है, तो उसकी एक जेनरिक डिवीज़न आप इसको कह सकते हैं प्राइम मैनकाइंड को। और ये इस तरह की टेबलेट मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी डोलोब्रेक एसपी के नाम से। अब ये जो है दोस्तों, ये मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, दांत दर्द, सिर दर्द और जोड़ों के दर्द जैसी कंडीशन जैसी स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइटिस की जैसी कंडीशन में, इसके अलावा सूजन अगर हो गई है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो टेबलेट है डाइक्लोफेनेक जो इसके अंदर है NSAID यानी नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के रूप में जानी जाने वाली एक दवा का एक वर्ग है। ये आमतौर पर मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, दांत का दर्द, सिर दर्द जैसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर सेरेटीपेप्टिडोज की अगर मैं बात करता हूँ तो एक तरह का प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम है, यह एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव दिखाता है यानी सूजन को कम करता है, मुख्य रूप से गठिया, ट्रॉमा, सर्जरी, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस जिससे जुड़ी जो सूजन होती है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी राहत ये प्रदान करता है। अब ये जो टेबलेट है ख़ास तौर से अगर मैं इसके यूज़ की बात करता हूँ तो मांसपेशियों में दर्द हो रहा है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, दांत में दर्द हो रहा है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जोड़ों का दर्द हो गया उसमें इस्तेमाल किया जाता है, सर दर्द में इस्तेमाल किया जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइटिस यानी गठिया जैसी कंडीशन, इसके अलावा एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, ऑपरेशन के बाद के दर्द और सूजन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा चोट लग गई है, मोच आ गई है तो इस तरह की कंडीशन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सूजन हो गई है या किसी एक्सीडेंटल एरिया में सूजन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, वहाँ पर दर्द हो रहा है तो उस तरह की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके कुछ यूज़ हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। अगर मैं दुष्प्रभाव की बात करता हूँ तो इसमें जी मचलाना, उल्टी होना, दस्त लगना, पेट में जलन, सूजन, कब्ज होना, पेट दर्द या इसके अलावा भी और साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जिन मरीजों को इन तीनों सॉल्ट में से किसी भी सॉल्ट से कोई एलर्जी है तो उसको स्किन रैशेज जैसी कंडीशन हो सकती है। और आपको लीवर या किडनी की कोई बीमारी है तो आपको इसे नहीं लेना चाहिए लंबे टाइम तक, नहीं तो आपको दिक्कत कर सकता है। और किसी और अन्य दवाओं के साथ में लेने से पहले भी अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे। और लेना कैसे होता है, खाना खाने के बाद में नॉर्मली इसको लिया जाता है, एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम, इसकी डोज हो सकती है नॉर्मल। और बाकी अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क करें, बगैर अपने डॉक्टर की सलाह के आप इसे इस्तेमाल ना करें। अभी 10 टेबलेट की स्ट्रिप है, 90 रुपये के आसपास आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा डोलोब्रेक एसपी टेबलेट के बारे में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।